पीथमपुर सेक्टर नंबर 3 इंडोरामा में लाइट इंश्योरेंस इंडिया लिमिटेड कंपनी के मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। मजदूरों को समय पर मजदूरी के पैसे नहीं देती है, और यदि कोई व्यक्ति कंपनी को कहते हैं कि हमारी मजदूरी समय पर दीजिए, पैसा समय पर नहीं मिलने से हमारे घर परिवार चलाने की समस्या बढ़ जाती है। इन दो मजदूरों को इतना कहना भारी पड़ गया और उसके ठीक 2-4 दिन बाद एक फैक्ट्री का दिल्ली ट्रांसफर किया गया और दूसरे का चेन्नई ट्रांसफर गया। उसके बाद से इन दोनों व्यक्ति को गेट के अंदर आने पर कंपनी ने सख्त मना कर दिया। मजदूरों का कहना है कि हम काम यही पीथमपुर सेक्टर नंबर 3 में ही करेंगे, और इन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए कोर्ट में भी इनको परमिशन दे दी है, लेकिन कंपनी कोर्ट का भी आदेश नहीं मान रही है। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। राइट इंश्योरेंस कंपनी में आप लोगों को क्या समस्या है? राइट इंश्योरेंस में हम लोग एग्रीमेंट के लिए बात किए थे। एग्रीमेंट का मतलब 2115 रुपया हुआ। 2115 के बाद हम लोग का 2 फरवरी से हम लोग का गेट बंद कर दिया। मनोज कुमार पांडे चेन्नई ट्रांसफर कर दिया और राजेंद्र प्रसाद मिश्रा दिल्ली। और हम लोग फिर इंडस्ट्रियल कोर्ट में गए तो वहाँ हमको स्टे मिल गया। वहाँ के बाद हम फिर विकास भवन में गए तो वहाँ से 2 इंस्पेक्टर साहब आए थे, लेकिन फिर भी अंदर नहीं लिए। बोलते हैं हमको जहाँ जाना है जो करना है कर लो, चाहे जिसको ले आओ, हम आप लोग को अंदर नहीं लेंगे। आपको ट्रांसफर किया हूँ, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ये आप कितने साल से इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं? मेरे को हो गया 22 साल और मिश्रा जी को हो गया 30 साल। अब आप लोगों की क्या मांगे? अब हम लोग की मांगे है कि हम लोग के बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम लोग के पास पैसे नहीं है, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग को कंपनी के अंदर ले, हम लोगों से ड्यूटी करवाएं, बस हम यही चाहते हैं। आपका नाम? मनोज कुमार पांडे। इंश्योरेंस कंपनी से आप लोगों को क्या समस्या है? सर मेरी समस्या है कि मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। आप इस कंपनी में 30 साल से वर्कर के पद पे काम कर रहा हूँ, ऑपरेटर के पद पे। हम लोगों को जो है ना, हमको पांडे जी को जो है ना 2 फरवरी 2022 को गेट से बाहर कंपनी निकाल दी है वेतन वृद्धि के चक्कर में। वेतन वृद्धि कंपनी ने अपने आप तानाशाही करके पैसे डाल दिया अकाउंट में, इसके बाद हमको गेट के बाहर निकाल दिया। इंडस्ट्रियल कोर्ट में हमारा बैकग्राउंड चल रहा था सर, तो वहाँ से स्टे हमको जो ट्रांसफ़र किए थे लोग, बोले आपका ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया मुखी, और पांडे जी का बोला दिल्ली हो गया। तो वहाँ से बैकग्राउंड हम लोग को आदेश मिला जज साहब का कि आप लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे वहीं पे करो। फैक्ट्री में हम लोग जो ना 10 तारीख को लेटर लेके आए, फैक्ट्री के प्रबंधक ने गेट के बाहर हम लोग को बोला कि हम इसको कोर्ट के फैसले को मैं नहीं मानता हूँ, और हम लोग को बोले आप लोग जहाँ जाना है जाओ, जिसके पास जाना हो तो जाओ, यहाँ कोई भी आ जाएगा किसी के नहीं चलेगा। फिर मैं हम लोग जो है ना विकास भवन गए, मेघना भट्ट असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने तो इंस्पेक्टर को भेजा गाड़ी में कि इन लोग को अंदर कराओ, तो उनको भी मना कर दिए कि हम इनको नहीं रखेंगे, यहाँ जाना है चले जाएं। हम इनका जो है ना ट्रांसफ़र कर दिया हूँ। मैनेजमेंट हमारा लाड इंसुलेशन का बीजी घटनाकर साहब ने बोल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।